सत्यकाल, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट नाइन न्यूज में। मैं हूं आपकी होस्ट सुगन और आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है टॉप नाइन। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे इस प्रोग्राम का नाम टॉप नाइन है, तो दोस्तों आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि आज मैं बॉलीवुड से जुड़ी तमाम टॉप नाइन मजेदार हॉट स्पाइसी खबरें आप सभी को बताने वाली हूँ। तो फिर देरी किस बात की, चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की और डालते हैं नजर आज की टॉप नाइन मजेदार हॉट स्पाइसी खबरों पर और देखते हैं कि आखिरकार वो कौन सी टॉप नाइन खबरें हैं जो इस टाइम टॉप नाइन पोजिशन में अपनी एक खास जगह बना चुकी हैं। तो बिना देरी किए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की चहेती और बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस को लेकर हाल ही में उनकी बेस्ट फ्रेंड और फैशन दीवा कहलाए जाने वाली सोनम कपूर ने एक बड़ा खुलासा किया है कि जैकलिन को कैसे लड़के पसंद है। जी हाँ, कहा तो यही जाता था कि जैकलिन फर्नांडिस को सलमान खान पसंद है, लेकिन अब सोनम कपूर ने इस बात का खुलासा कर दिया। जी हाँ, हाल ही में सोनम कपूर अनीता श्रॉफ के शो फिट अप विद द स्टार्स में पहुंची थी जहां उन्होंने कई बड़े खुलासे किए। जानकारी के लिए बता दें, सोनम ने इस दौरान जैकलिन को सुझाव देते हुए कहा कि उन्हें डेटिंग ऐप इस्तेमाल करना चाहिए। इतना ही नहीं, सोनम आगे कहती हैं कि जैकलिन उन लड़कों को पसंद करेंगी जो क्रिएटिव और नेचुरल फोटो पोस्ट करते हैं। उन्हें ऐसे लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे जिन्होंने प्रोफाइल फोटो में जिम वर्कआउट या फिर शर्टलेस फोटो लगाई हो। इस शो के दौरान सोनम ने यह भी कहा कि किसी को भी डेटिंग को लेकर गलती से भी जैकलिन से टिप्स नहीं लेने चाहिए। वेल, इस बात से सलमान खान को काफी ज्यादा हैरानी तो जरूर हुई होगी, क्योंकि कहा तो यही जाता था कि जैकलिन फर्नांडिस सलमान खान को पसंद करती हैं। वेल, अब देखना यही होगा कि जैकलिन फर्नांडिस किस लड़के को डेट करेंगी और वो कैसा लड़का अपने लिए चूज करने वाली हैं। बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन कहलाए जाने वाले माधुरी दीक्षित जो हमेशा से खबरों का कारण बनी रहती हैं। माधुरी की खूबसूरती का हर कोई दीवाना है। हाल ही में माधुरी दीक्षित जहां डांस दीवाने के सेट पे बतौर जज के तौर पे नजर आ रही हैं, तो वहीं हाल ही में शो के सेट से कुछ तस्वीरें सामने आई है जिसमें माधुरी गणेश भगवान के सामने हाथ जोड़ के खास अंदाज में गणेश चतुर्थी मनाती दिखी। वहीं आपको बता दें कि माधुरी बेहद ही जल्द फिल्म टोटल धमाल में भी नजर आएंगी, इसे लेकर फैंस जो हैं बेसब्री से उनका इंतजार भी कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मानो ऐसा लग रहा है कि माधुरी एक एवरग्रीन एक्ट्रेस है, जहाँ पे साड़ी में वो बेहद ही ज्यादा खूबसूरत अंदाज में दिखी। साड़ी के पीछे का अगर आपको राज बताएं तो बता दें कि माधुरी जो है उन्हें साड़ी पहनना बेहद ही ज्यादा पसंद है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान जो बेहद ही जल्द फिल्म केदारनाथ से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हैं। हाल ही में एक खबर थी कि सारा बेहद ही जल्द वरुण धवन के पापा की फिल्म नंबर वन सीरीज में नजर आएंगी, जहां फिल्म की तैयारी भी शुरू हो चुकी थी। तो वहीं हाल ही में वरुण का एक बयान सामने आया है जिसमें वरुण ने लिखा है कि अभी हमने सिर्फ स्क्रिप्टिंग पूरी की है और कास्टिंग में अभी और समय लगेगा, हम नाम का ऐलान जल्द ही कर देंगे जैसे ही इसे फाइनल कर लेंगे, इससे पहले तक की सभी खबरें एक महज अफवाहें हैं। वहीं इसका मतलब तो साफ है कि सारा इस फिल्म से आउट हो गई, लेकिन फैंस निराश ना हो, अगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, मगर आगे चल के ऐसा हो सकता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि सारा जहां पर फिल्म केदारनाथ से बॉलीवुड में कदम रखेंगी तो वहीं उसके साथ सारा दूसरी फिल्म भी साइन कर चुकी है। बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान जो हमेशा से खबरों का कारण बने रहते हैं, हाल ही में शाहरुख को देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी अब किसी पहचान की जरूरत नहीं। दरअसल किंग खान फिल्में एक से बढ़कर एक शानदार करते हैं। उनकी फिल्में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, देश के बाहर भी विदेशों में अपनी सफलता को ना तो सिर्फ उसका परचम लहरा रही हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सिनेमा का प्रतिनिधित्व करने में एक अहम योगदान भी दे रही हैं। साथ ही बता दें कि हाल ही में शाहरुख खान को इकोनॉमिक टाइम गेम चेंजर ऑफ इंडिया हॉल ऑफ फेम से नवाजा गया है। ये सम्मान उन्हें सिनेमा जगत में शानदार काम और हिंदी फिल्मों को इंटरनेशनल लेवल पर खास पहचान दिलाने के लिए दिया है।
खास बात तो ये है कि अवार्ड शाहरुख खान को लंदन बुला कर दिया गया। आपको बता दें शाहरुख ने इस पर अपनी खुशी को जाहिर किया है और उन्होंने कहा है कि कारोबार अब लाखों टेरोगेट और प्रोजेक्शन का हो गया है। हालांकि मैं कारोबार के प्रधान की क्षमता का पूरा सम्मान करता हूँ, मुझे इसके बारे में सोचना पसंद है क्योंकि मेरे साथ काम करने वाले लोगों ने मुझे कल्पना की क्षमता दी, उन्होंने मुझे कल्पना करने की अनुमति दी और उन्होंने इस कल्पना का प्रबंध भी किया। इसलिए जब आप एक गेम चेंजर बन जाते हैं तो आप इसे अपने आप नहीं ले सकते, इसमें बहुत से लोग शामिल होते हैं और दुनिया भर के दर्शक भी। आप जो फेज में है उसे स्वीकार करते हैं और उनका मनोरंजन भी। बॉलीवुड की बेबी डॉल कहलाए जाने वाली सनी लियोन जो हमेशा से अपने ग्लैमरस अंदाज को लेकर जानी जाती हैं। हाल ही में सनी को एयरपोर्ट पे देखा गया जहां सनी बेहद ही ज्यादा अनोखे अंदाज में दिखी। साथ ही साथ ये कहना गलत नहीं है कि सनी एक फैशन ट्रेंड भी है। आपको बता दें भले ही सनी का जादू बॉलीवुड में ज्यादा ना चला हो मगर सनी इन दिनों अपनी वेब सीरीज यानी कि करणजीत कौर द अनटोल्ड स्टोरी को लेकर लाइमलाइट बटोरती दिखाई दे रही है। हालांकि उस सीरीज का पहला सीजन सामने आ चुका है तो बेहद ही जल्द जहां पे सीजन 2 का ट्रेलर सामने आया तो वही उम्मीद है कि बेहद ही जल्द सीजन 2 भी लोगों के बीच में आएगा। देखा जा रहा है कि सनी की वेब सीरीज को काफी ज्यादा लोग पसंद भी कर रहे हैं। वहीं बस अब इंतजार है तो सनी की तेलुगु फिल्म का जिसमें सनी एक योद्धा के अवतार में नजर आएंगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन जो हमेशा से खबरों का कारण बनी रहती हैं, हाल ही में विद्या पर दुखों का पहाड़ टूट गया जहां पर विद्या के पिता पीआर बालन को दिल का दौरा पड़ा है। जी हाँ, दरअसल कहा जा रहा है कि बीते सोमवार उनकी रात में तबीयत अचानक बिगड़ गई जिसे चलते उन्हें अस्पताल में ले जाया गया। ऐसे में विद्या के करीबी से पता चला है कि उनके पिता पीआर बालन की हालत अब स्थिर है। बता दें कहा जा रहा है कि जैसे ये खबर विद्या को और उनके पति को पता चली तो वो फौरन ही अस्पताल पहुंचे। मगर आपको बता दें कि फैंस ज्यादा चिंता ना ले क्योंकि उनकी हालत अब सुधार है। अगर विद्या की बात करें तो उनके फिल्मी सफर की तो विद्या की आखिरी फिल्म तुम्हारी सुल्लू रही है। साथ ही साथ अब उम्मीद है कि उनके पिता बेहद ही जल्द अस्पताल से उनकी छुट्टी हो जाएगी और उनकी सेहत में और सुधार देखने को मिलेगा। बॉलीवुड की विवादित क्वीन यानी कि कंगना रनौत और हमेशा अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहने वाली एक्ट्रेस रिचा चड्ढा एक दूसरे से पंगा लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई हैं। जी हाँ, फिल्म निर्माता अश्विनी अय्यर तिवारी अपनी आने वाली फिल्म पंगा को लेकर काफी सारा चर्चा में हैं। इस फिल्म में कंगना रनौत, मीना गुप्ता और जस्सी गिल जैसे एक्टर्स का नाम पहले ही फाइनल हो चुका है। अब इस प्रोजेक्ट में एक्ट्रेस रिचा चड्ढा का नाम भी जुड़ चुका है। फिल्म पंगा की शूटिंग जल्द ही शुरू होगी। ये पहली बार होगा जब कंगना रनौत, रिचा चड्ढा, जस्सी गिल और मीना गुप्ता एक साथ किसी फिल्म में काम करेंगे। इस फिल्म को लेकर कहा जा रहा है कि पंगा फिल्म के लिए कंगना से एक नो इंटरफेरेंस कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवाया जाएगा। वेल, अब देखना ये होगा कि रिचा चड्ढा और कंगना रनौत जब एक साथ आएंगी तो बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल मचाने वाली है। अपने ठुमकों से सबको अपना दीवाना बनाने वाली हरियाणा की शान सपना चौधरी इन दिनों अपने सक्सेस को काफी ज्यादा एंजॉय कर रही हैं। वहीं हाल ही में सपना चौधरी बॉलीवुड में भी डेब्यू करने वाली हैं और अब उन्होंने अपनी डेब्यू फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी है। जी हाँ, सपना जल्द ही अपने फैंस को एक बड़ी खुशखबरी देने वाली है क्योंकि अब वो बॉलीवुड की फिल्म दोस्ती के साइड इफेक्ट्स में नजर आने वाली हैं और इसी फिल्म से वो अपना पहला बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं। इस फिल्म में उनके साथ विक्रांत आनंद, टीवी एक्टर जुबैर खान और कसौटी जिंदगी की के फेम एक्ट्रेस अंजू यादव भी नजर आएंगी। बताया जा रहा है कि इस फिल्म को जोयाल डेमियर प्रोड्यूस कर रहे हैं। वही इसके अलावा फिल्म को हादी अली डायरेक्ट करने वाले हैं। वहीं कहा जा रहा है कि सपना चौधरी ने अपनी इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी है तो अब देखना ये होगा कि ठुमके लगाने के बाद अब सपना चौधरी बॉलीवुड में क्या धमाल मचाती हुई नजर आएगी।
बॉलीवुड के रोमांस किंग कहलाए जाने वाले शाहरुख खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म जीरो को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में हैं। लेकिन हाल ही में शाहरुख ने इस बात का खुलासा किया है कि उन्होंने घर पर जाने की क्यों इतनी जल्दी कर ली है। जी हाँ, हाल ही में शाहरुख खान लंदन में एक अवार्ड फंक्शन में पहुंचे थे और इसी दौरान शाहरुख खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया। पोस्ट में शाहरुख खान ने अपने बेटे अबराम के बारे में भी बातचीत की। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि गेम बदलने के लिए मैं घर आ रहा हूँ, अब वक्त हो चला है अबराम के साथ लिगो ब्लॉक्स खेलने का। बता दें, शाहरुख खान अपनी फैमिली से बेहद प्यार करते हैं और किंग खान कितने भी बिजी हो लेकिन अपनी फैमिली को वक्त देना वो बिल्कुल नहीं भूलते। वहीं वो अपने बेटे अबराम का भी काफी ख्याल रखते हैं और घर जाते ही शाहरुख खान अपने बेटे अबराम के साथ कई सारे गेम्स भी खेलते हैं। वेल दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी तमाम टॉप 9 मजेदार हॉट स्पाइसी खबरें, जो इस टाइम टॉप 9 पोजीशन में अपनी एक खास जगह बना चुकी हैं और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी खूब छाई हुई हैं। लेकिन फिलहाल दोस्तों, वक्त हो चला है आप सभी से ही विदा लेने का, पर इस वादे के साथ ले रहे हैं आपसे विदा। जल्द होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बी टाउन की और भी कुछ तमाम टॉप 9 खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखना ना भूलें नेक्स्ट 9 न्यूज, और बॉलीवुड की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।